हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को एमआई टीवी या किसी भी एंड्रॉयड टीवी में कैसे कनेक्ट करते हैं, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है कभी कभी हमारे टीवी में शो नहीं होता या पेन ड्राइव शो नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हाउ कैन वी फिक्स एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टेड टू एमआई टीवी आर एनी एंड्रॉयड टीवी, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे आ जाइए। लैपटॉप पे आने के बाद आपको एक कमांड देना पड़ेगा, cmd टाइप करना पड़ेगा, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये सब आपको जो है हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद ये कमांड देना है। तो मतलब डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है अटैच हो आपके पीसी या लैपटॉप से, तभी आपको कमांड देना है, या पेन ड्राइव अटैच हो जिसको आपको फॉर्मेट करना है या जो शो नहीं हो रहा है आपके टीवी में। सबसे पहले कमांड देना है डिस्क पार्ट, DISK PART। डिस्क पार्ट टाइप करते ही आपको इंटर करना है। इंटर करते ही एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। आपको ये सब बहुत ध्यान से करना है। दूसरा विंडो ओपन होते ही आपको फिर टाइप करना पड़ेगा। आप ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आपका पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क आपके पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट हो। तो दूसरा जो कमांड देना है आपको वो देना है लिस्ट डिस्क। इसमें जो है लिस्ट डिस्क में बीच में स्पेस दे दीजिएगा, तो आपके सामने डिस्क जीरो और डिस्क वन शो हो रहा है। डिस्क जीरो जो है लैपटॉप का इंटरनल स्पेस है, और डिस्क वन जो हमने हार्ड डिस्क लगाया हुआ है 1397 GB का शो हो रहा है। तो हमको डिस्क वन सेलेक्ट करना है, तो कमांड देना है सेलेक्ट डिस्क वन। सेलेक्ट डिस्क वन टाइप करते ही आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो डिस्क वन सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जिसको आपको फॉर्मेट करना है। ये देखिए शो हो रहा है डिस्क वन इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब फिर आज से आपको एक कमांड देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। इसको करने से आपका जो पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क शो नहीं होता था टीवी में या एंड्रॉयड टीवी में एमआई टीवी में, इसमें आपको टाइप करना है क्लीन। क्लीन टाइप करते ही आपको इंटर करिए और देखिए डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क। उसके बाद आप एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट हो जाइएगा। दूसरा पहला विंडो भी आपको क्लोज कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है अपने माय कंप्यूटर में और मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाके कुछ काम कुछ प्रोसेस और करना पड़ेगा फॉर्मेट करने के लिए। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लास्ट में कनेक्ट करके भी दिखाएंगे एमआई टीवी में। आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड डिस्क वन MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, इस पर टिक है, इस पर टिक रहने दीजिएगा। जैसे जैसे प्रोसेस आगे रहेगा वैसे वैसे आपको नेक्स्ट करते जाना है। तो इस पर चलिए अब हम ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं, ओके कर दिया। नेक्स्ट खुलेगा, यहाँ राइट क्लिक करके आपको न्यू सैम सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। जैसे जैसे नेक्स्ट दिया है वैसे वैसे आपको नेक्स्ट करते जाना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इसमें घबराइएगा नहीं कि आपका
पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपको फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर डी, इसको फिर नेक्स्ट करना है। ये देखिए फॉर्मेट द वैल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग NTFS, इस पर आपको सेलेक्ट रहना है, रखना है, फिर सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद फिनिश कर दीजिए। ये हमारा डिस्क वन फॉर्मेट हो गया है, फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेट होने के बाद शो होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए LD न्यू वैल्यूम डी 3097.23 GB NTFS। ये हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया। अब इसको आप टीवी में MI TV में लगाएंगे तो शो होगा। फ्रेंड्स हम MI TV पे आ गए। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है हमने डायरेक्टली टीवी पे कनेक्ट कर दिया MI TV 4 प्रो पे, और इसका थोड़ा ब्राइटनेस हम कम कर देते हैं। हमने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद MI TV में लगाया है और देखेंगे कि शो होता है कि नहीं। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे और आप देख सकें कि हाँ वर्क कर रहा है कि नहीं। डायरेक्टली आप हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करने के बाद CMD में कमांड प्रॉम्प्ट देके आप कनेक्ट कर दीजिए। आइए चलते हैं USB के ऑप्शन पे और वहाँ पे एक वीडियो प्ले करके देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। ये हमारा न्यू वैल्यू है 1.3 GB दिखा शो हो रहा है, जो कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का है। चलिए एक वीडियो प्ले करके देखते हैं प्ले होता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही स्मूथली प्ले हो रहा है। आप ऐसे फॉर्मेट करके बिल्कुल आप फिक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ओके फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।